व्यक्ति जीवन में कई समस्याओं से जूझता रहता है। इसका प्रभाव कुंडली या ग्रह दोष भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के वास्तु दोष से भी कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तो आर्थिक समस्या के साथ कई समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो उससे धन लाभ होता है। जैसे घर में पिरामिड रखना, पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को लगाना, साथ ही लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी को एक साथ लगाना और घर में खासकर सुराही को रखना और उसे पानी से भरकर रखना शुभ होता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। यदि आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं या आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हैं, आपके जीवन में धन की कमी है, धन की रुकावट है, कहीं धन आपका अटक गया है या आप किसी प्रकार के कर्जे या ऋण के चक्कर में फंस गए हैं, तो हमारे शास्त्रों में तो इन सभी के विभिन्न उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को करने से हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वास्तु में भी, वास्तु शास्त्र में भी इस प्रकार की स्थिति से उबरने के लिए कुछ उपाय कहे गए हैं। तो आज हम ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिनसे आप इस प्रकार के संकटों से निकल सकते हैं। आपके घर में, आपके जीवन में जितनी भी निगेटिव ऊर्जा आ गई है, वह निगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी और आपके घर में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवाहित तो होगी। तो उसमें सबसे पहला उपाय यह है कि घर की जो बैठक है, जिसमें सभी घर के सदस्य सामूहिक रूप से किसी भी कार्य के लिए बैठते हों, ऐसे स्थान पर चांदी का, तांबे का या पीतल का पिरामिड हमको रखना चाहिए, क्योंकि तो चलते फिरते जब उस पिरामिड के ऊपर हमारी नजर पड़ेगी, घर के सदस्यों की नजर पड़ेगी, तो निश्चित ही उस पिरामिड से जो है एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो घर में फैलती है, घर में सुख शांति समृद्धि की हमको प्राप्ति होती है। घर में दक्षिण पश्चिम की दीवार पर हनुमान जी महाराज की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की एक फोटो को लगाना चाहिए और नित्य प्रति उन हनुमान जी महाराज के दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में जो संकट और दरिद्रता है वह दूर होती है। पूजन स्थल पर अक्सर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो तो रखते हैं, लेकिन हमको गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ कुबेर का फोटो भी रखना चाहिए, क्योंकि कुबेर को धनाध्यक्ष कहा गया है, धन के देवता भी कहा गया है। तो उनका भी साथ में भी हम फोटो या मूर्ति रखते हैं तो निश्चित ही हमारे घर में धन और समृद्धि आएगी। और हमारे घर का जो ईशान कोण है, उस ईशान कोण में हमको किसी कलश में, किसी घड़े में या किसी सुराही में अच्छा शुद्ध ताजा और पवित्र जल प्रतिदिन प्रातः काल रखना चाहिए। दूसरे दिन जब हम सोकर के उठते हैं तो उस जल को विसर्जन करके पुनः स्नान करके नया जल जो है उस सुराही में या घड़े में रख करके पुनः ईशान कोण में रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में, हमारे जीवन में जो है धन का आगमन होता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, उन उपायों को यदि हम करते हैं तो वास्तु के द्वारा भी हम हमारे जीवन के संकटों को दूर कर सकते हैं।